तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे परमारत रे कारणे तो ये चारों धारी दे फिकर सभी को खा गयो और फिकरी करी क्या पीर और फिकररी फाकी करे तो जाना नाम फकी हदरी लखी सोलिया औरी हदी लखी सुपीर हद भी हदी दोनू लखे जी तो जारा नाम यही है हदरी लखे सो अवलिया हदरी लखे सो अवलिया और बेहद लखे सो पीर ए जी हद पे हद दोनू लखे तो जारा नाम फकीर बनकर भी अब मांगने में आती है शर्म। एक संत ने कहा, बहुत सुंदर बात कही, कभी कभी फकीर बन गया हूं, फकीर बनकर भी अब मांगने में आती है शर्म। अब उसका बन गया हूं तो इनके आगे हाथ क्या फैला। फिकर सभी को खा गयो, फिकर कर गया पीर और फिकर री फाकी करे जारा नाम। वावारे मौज फकीरों दी, वो परवाह नहीं करे अमीरों दी। कदे सोवे मेल माड़िया, कदे एक गलियां अहीरारी, वावारे मौज फकीर हकीरारी। कदे खावे लूका सूका और कदे एक लपटा खीरारी, वावारे मौज फकीरों। कदे ओडे शाल दुसाला, कदे एक गुदड़ियां लीरारी, वावारे फकीर की क्या मौज है। ए लटको जोगी छोड़ दे रे, हमारा जोगी आ जा रे, असल फकीरी दा अरे दोरो धुनी वालो, ये दोरो धुनी वालो, तापनो रे जागी, बेनो खाना बड़ी धार
आयस लफकीरी लटको छोड़ दे रे मारा जोगी ना जाने अरे असल फकीरी धार असल फकीरी लोगों को लगता है कि फकीरी धारण करना या फकीरी अपने आप में उतारना बहुत साधारण या सरल है, लेकिन जो जहां तक पहुंचा है उनको वहीं तक की बात मालूम है। लागी लागी सब कहे लागी ना ये लिगार लिगार और लागी हरीरे नामरी हुई काल जे पार सभी लोग घर आनो चाहिए। अबे सब घर घर बैठा भैया आप बैठ जाओ ना यार क्यों पड़ा हो यार। सबदा मारा मर गया सबदा छोड़िया राज राज और जिन जिन शब्द विचारिया जारा सरिया काज शब्द प्रधान है शब्द ओडे शब्द विचारे शब्द है मूल आहार। अरे शब्द विवेकी हंसा तू बैठ शब्द की लटको छोड़ असल फकीरी दार दोरो धुनीरो तापणो पेणो है खांडारी दार वो तो जो को फकीर मणिया है वाने पतो है साहब भक्ति कितनी दोरी है। ये नाया धोया हरी थोड़ा सा ये हाई हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। अरे नाया धोया हरी ना मिले सब कोई ले बे ना जल में ना बे नित जल में ना बे नित माछली सुरगी में जा असल फकीर जो जो चेतन अवस्था में बैठे हैं दोनों हाथ उठाकर बोलिए वेणुनाथ महादेव की बोलिए संत भगवान की सत्य सनातन धर्म की जटारे बताया हरी। आम सोच लो कि संत की तो प्रवृत्ति है कि या तो जटा झुंड या फिर रुंड मुंड आपा देखा कि संत करिया जीवड़ जू आपा भी कर ला तो फिर कटिन कटिया की हरी कमजोरी है भाई। जो संत जहां तक पहुंचा वहां तक की बात लिख दी। कोई यहां से मंडोर गया तो मंडोर तक की बात लिख दी कि मंडोरे और इसके बीच में क्या क्या है। कोई पावटा तक पहुंचा है तो उसने पावटा तक की बात लिख दी कि पावटा के बीच में और यहां तक के बीच में क्या है। तो जन जो संत जहां तक पहुंचा है वहां तक की बात लिख के गया। आपा सोचा कि संत करे जो आपा कर ला तो बहुत मुश्किल है साहब। इसलिए कवियों ने कहा है ये जटारे बताया हरी ना मिले हरी
कोई लेवे बधा जटी बदावे बन में ये जटा बदावे बनरा रीछिना मोरे जोगी बेकी सुरगी में जा असल फकीरी देख ला के गुरु महाराज ने लंबा बाल बांध दिया आपा भी बाल राग लान तीर जमाला ऐसा नहीं होगा कि गुरु महाराज यूं करियो आपा भी यूं कर ला आपा तीर जमाला वो नहीं होगा क्योंकि गुरु की जरूरत तो यहां पर भी और गुरु की जरूरत तो वहां पर भी और भला जग रूठ जो पर मेरे ना रूठे गुरुदेव बस इतना बात का ध्यान रख लेना भगवान करे कभी ना कभी भगवान से अगर मिलना भी हो जाएगा तो उसका कारक उसका सूत्र उसका मार्गदर्शन हमारा गुरु रहेगा और चार बातों का त्याग करके इस जाजम पर आ गए तो फिर यहां से कुछ लेके जाओगे और इस जाजम पर बैठे और वो चार बातें साथ में है तो फिर जाजम पर बैठने का कोई तात्पर्य नहीं कपट कठोर झूठ और निंदा इन चार बातों का त्याग करके ही सत्संग में आओ गुरु की शरण में आओ तो फिर कुछ मिलेगा क्योंकि कवियों ने वाणियों में भी लिखा है कपट कठोर झूठ और निंदा ए पहला तज दीजे अरे सतगुरु दाता मुक्तिरो मार्ग शरणो वारो लीजे और भक्ति राजी हो इन्हें भक्ति राजी खुशी रो काम है कति या थोड़ने की भक्ति बिड़न कर जाए गरिया बलन कर दे भक्ति तो राजी खुशी रो काम है गुरु महाराज रे दरबार में बैठा गुरु महाराज रे शरणा में बैठा ना अगर खुश नहीं हो रही तो फिर भक्ति नहीं है सर ऐसा नहीं है गुरु करे वैसा मत करो गुरु कहे वो कर दो तो फिर बेड़ा पार अरे मुंड मुंडाया हरि ये माथो मुंडाया हरि ना मिले रे मारा चोगिया अरे हर कोई ले में मुंडा छठे महीने मुंडावे छठे महीने मुंडावे काडरी बाकी सुरगी मेरा असल फकीर मुंड मुंडाया हरी ना मिले हर कोई ले मुंडा आए लेकिन जो इस भजन का सार है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं हो सके तो जीवन में जरूर ग्रहण कर लेना क्योंकि मैं कहूं ना आपने के शब्द प्रदान है और कवियों ने जो इस भजन का नाथ जी महाराज ने जो शब्द लिखा है जो इस भजन का सार लिखा है पत्थर पूजा हरी बाबू जी कहूं ना चलता फिरता तीर्थ तो अपना गुरुदेव है क्योंकि बचपन से किताबों में भी पढ़ा संतों के मुंह से भी सुना कि गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिन देता दान गुरु बिना तो दान भी निष्फल है चाहे बाचो वेद गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है गुरु बिना ज्ञान नहीं गुरु बिना ध्यान नहीं गुरु बिना सील न संतोष रहे ना सुख त्याग वैराग में मैंने किसी को देखकर वैराग धारण कर लिया लेकिन सुख की प्राप्ति थोड़ी ना होती ना सुख त्याग वैराग में ना सुख भूप भया राजा बन गया नगरी का लेकिन सुख प्राप्ति नहीं हुई तो सुख है कहां मेरे भाई तब कवियों ने कहा कि ना सुख त्याग विराग में ना सुख भूप भया सुख तो केवल संतोष में सतगुरु शरण
जिसके पास में संतोष है धन और संतोष धारण करके गुरु की शरण में गया है उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। इसलिए कवियों ने कहा, अरे पत्थर पूजा हरि ना मिले पूजा नितरी पूजो घररी नितरी पूजो घररी कटू लड़ी ने मारा जोगी राजा रे चूण पीस करी खा पत्थर पूजा हरी ना मिले हर कोई लेवे पूजा नितरी पूजो गररी गठोलड़ी सासू चूण पीस कर। बस सार यही है कि जो दिख रहा है जो तुम लोगों को प्राप्त है उसकी कदर करना सीख लो। आजकल करोड़ों रुपया लाग लाग ना आयोजन हो रहा है जिनो शीर्षक ओई जे के मैं कौन हूं, और ये हमारा वेद हमारा ग्रंथ हमारा शास्त्र कहता है कि अपने आप को निज प्रमाण कर ले, खुद को समझ ले कि सबके अंदर बैठा है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाए कि चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है चाहे ऊंचा है चाहे नीचा है चाहे अमीर है चाहे गरीब है ईश्वर सबके अंदर है, बस इस बात का ज्ञान हो जाए तो हर नदियां गंगा भई पर्वत साड़ग राम हर दरकत तुलसी भया तब चीना आत्म राम। इसलिए कहा है नाथ गुलाब गुरु नाथ गुलाब गुरु बेटियां रे जोगियां रे गावे भवानी ना असल फकीर असल फकीर